सो हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन माइनर। और एक्चुअली वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि क्या था कि टाइम ही नहीं हो पा रहा था। अब टाइम नहीं हो पा रहा था तो वही दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम की ही है। तो राइट नाउ द कंडीशन इज देयर लाइक सो मेनी GSVM आई हैव रिपेयर्ड एंड सो टुडे इज सैटरडे, सो दैट्स व्हाई मैं सोचा कि यार क्या कहते हैं, चल आज एक वीडियो और बनाते हैं। तो दिस इज़ अ KS3M बोर्ड, मैंने ये मिला है, ये मतलब मेरे पास आया है रिपेयर के लिए। तो इन दिस बोर्ड द कंडीशन इज नॉट गुड, आफ्टर दिस चिप द कंप्लीट इज डेड फ्रॉम देयर, यहाँ से आगे को सब डेड है। और ये माइंड तो करने का मतलब ही नहीं बनता है। तो अभी मेरे पास कम से कम मेरी तो 18 माइनर होंगे और कम से कम 17-18 बोर्ड भी है रिपेयर के लिए KS3M का। तो अभी चिप्स कुछ आए थे, एक्चुअली क्या है, अलग अलग चिप्स हैं तो बहुत ब्लैक मार्केट चल रहा है भाई चिप्स का, बहुत ब्लैक मार्केट। उल्टे सीधे रेट में मिल रहा है, कोई दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, जो अवेलेबल हो रहा है वही उठाना पड़ रहा है, क्या करें। तो उस बेस पे जो माइनर पड़े हुए हैं या रिपेयर के लिए आए हैं तो वो हो जा रहा है। अब लोग बाग भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस कि इस टाइम पे जो कि आइस वीवर है इसकी बहुत गंदी मोनोपॉली इनने बनाई हुई है। आप समझ नहीं पाओगे कि इन बोर्ड्स को रिपेयर करने में इतना रात रात, दो दो रात, तीन तीन रात लग जा रही है, यही देखने में कि कौन से कनेक्शन और कौन से ट्रैक कहाँ गए हुए हैं और कौन से ट्रैक में कहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जज करते करते, मतलब ये खुद ही बनाया हुआ है एक तरीके से, इसके स्टैमेटिक्स तो कहीं भी अवेलेबल है ही नहीं, कुछ भी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। और जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उनसे कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज इसमें अल्टमायर की तरह नहीं रिपेयर होता है, ये अल्टमायर से बिल्कुल हटके है ये। इसमें लेकिन एक चीज़ है गाइस, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको एक अपडेट देता हूँ, जिन भाइयों के पास ये वाले बोर्ड नहीं है, मतलब कि ये क्या होता है, इसमें बूस्ट सर्किट होता है, इसमें MOS चिप्स होती हैं, इसके थ्रू पावर आगे दिया जाता है, जब यहाँ पे सिग्नल ओके होगा तभी ये आगे पावर सर्किट जो है पावर आगे देगा। तो क्या होता है कि इसमें ही एक ऐसा बोर्ड भी मैंने रिपेयर किया है, जो सबसे पहला बोर्ड मेरे पास आया था बंदे का, दिल्ली से था, उस बंदे का बोर्ड आया था, उसमें ये MOS ट्यूब नहीं थी। जैसे कि हमारा क्या है, S1990 टेरा हैश के दो टाइप के बोर्ड आते हैं, एक एल्युमिनियम सब्सट्रेट बोर्ड होता है और एक PIC बोर्ड होता है, जो नॉन PIC होता है, एक PIC बोर्ड होता है। तो जो PIC बोर्ड होता है ये उस टाइप से है, लेकिन इसमें PIC चिप यहाँ पे दिया नहीं है, ये सारा कंट्रोल यहीं से, सारी चिप बाय चिप कंट्रोल है। और जो अंटमाइनर में नॉन PIC चिप होता है, बोर्ड होता है, उसी की तरह वो बोर्ड था। तो वो बोर्ड बहुत ईजी है रिपेयर करने में, बट दिस बोर्ड इज़ वेरी हार्ड, ये बोर्ड थोड़ा सा दिक्कत है, बिकॉज सारी चीज़ें चिप्स पे डिपेंड हैं। और अभी भी टाइम ज़्यादा हो गया है, 1:20 हो रहे हैं लगभग। तो जस्ट आई थिंकिंग कि चल बनाते हैं वीडियो, और ये बोर्ड एक बोर्ड में कर चुका हूँ, उसको दिखाता हूँ मैं। तो मैंने ये बोर्ड इसलिए खोल के रखा था दिखाने के लिए, लाइक कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको हम अभी कल करेंगे या फिर अभी थोड़ी देर लेट नाइट पे करते हैं, 3-4 तक इसको करने की कोशिश करते हैं, अगर ये हो जाता है तो, नहीं तो फिर इसे हम कल करेंगे, बिकॉज इसमें मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को मुझे एक एक करके देखना पड़ेगा। और इसमें यही तरीका है, और तरीका और भी है। तो अभी मेरे पास एक लेटेस्ट टेस्टर है जो कि मैंने बाहर से मंगाया है, और क्या कहते हैं, दिस टेस्टर इज़ नॉट अवेलेबल टू एनीवन, ये टेस्टर यहाँ अभी नहीं है जो KS3M के लिए स्पेशली डिज़ाइन है, उसको टेस्ट करता है सारी चीज़ों पर। तो ये टेस्टर काफ़ी टाइम पहले आ गया मेरे पास, आई थिंक, तो क्या कहते हैं उसे, मैं इसको देखता हूँ उस हिसाब से। तो अभी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या सीन है इसका। एक काम करते हैं, इसको 12 वोल्ट का पावर देंगे, और 12 वोल्ट पावर देने के बाद इसको हम टेस्ट पे डालेंगे, तो क्या रिजल्ट आता है ये देखते हैं। तो अभी मैंने कर दी है पावर ऑन, ठीक है। तो राइट नाउ हम इसको
12 वोल्ट पे सेट करते हैं। तो 12 वोल्ट पे सेट करने के बाद अब हम इसमें स्टार्ट टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 1, 2, 3 सिर्फ 3 चिपें यहाँ पे होके आ रही हैं। बट यही इस गेम है गाइस कि ये हर कोई नहीं जज कर पाएगा। इसमें ये जो नहीं है कि यहाँ तक ही चिप ओके है, ये सारी चिपें ओके हैं। कहाँ तक ओके हैं? ये लगभग यहाँ तक ओके हैं। मैंने इसको ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, बट शोइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको दूसरे मोड में डालूंगा तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ये चिप ओके है। सी, तो राइट नाउ द कंडीशन इज दिस कि यहाँ पे तक चिप ओके है। अगर हम रीड चिप करेंगे तो 38 चिप तक ये पावर दे रहा है, बट ये पावर सब गलत है। बहुत गलत पावर आ रही है, बहुत ज़्यादा पावर आ रही है, तो ये अच्छी नहीं है। चिप वन में 0.78 आ रही है, जो कि 0.45 या 5 तक होनी चाहिए थी। यहाँ तक पावर ठीक है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ से पावर सही आनी शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ पे भी पावर सही है। बट आफ्टर 39 के बाद 0, 0, 0 पावर है, कोई पावर नहीं है। तो अब इनमें से कितनी चिपें ख़राब हैं वो मुझे जज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी पड़ेंगी। टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे पहली चिप और दूसरी चिप और तीसरी चिप, मतलब कि 4 टेम्परेचर चिप होती हैं इसमें। तो 4 टेम्परेचर में हमारा इधर का दिखा रहा है, इधर का दिखा रहा है, बट यहाँ से ये कनेक्टेड होती हैं तो ये कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस बोर्ड राइट नाउ, एंड सो लेट्स डू इट आफ्टर सम टाइम। सो मैंने अभी जो बोर्ड किया है, मैं वो बोर्ड दिखाता हूँ आपको, उस बोर्ड में क्या था। तो इसको पावर ऑफ करते हैं पहले। ठीक है, इसको हमने कर दिया पावर ऑफ। अब इसको निकाल लेते हैं इसे। तो इस बोर्ड को थोड़ी देर में करेंगे। यस, तो दिस बोर्ड आई हैव डन रिसेंटली, इसको पावर ऑन करते हैं। सो इन दिस बोर्ड व्हाट हैपन गाइस कि यहाँ पे तक सारी चिपें ओके थी। द लास्ट चिप द सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? नहीं, ओके, दिख रहा है। तो इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम था कि दिस लॉक, और मैक्सिमम क्या है ना, मैं आपको बताऊँ क्लियर कहानी कि मैक्सिमम क्या है कि आपके जो भी बोर्ड KS3M वगैरह जो भी ख़राब हो रहे हैं गाइस, बहुत सिंपल है। अगर आपको KS3M बचाना है तो कूलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कूलिंग पे ध्यान दोगे तो भी आपका बचेगा। पेस्टिंग वगैरह से भी इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, ही इट्स नीड प्रॉपरली। वे में बोलूँ तो इसको एसी रिक्वायर्ड है, और एसी रिक्वायर्ड ही है हर हाल में। ये बिना एसी के नहीं रन कर पाएगा इंडियन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, और इस बार तो टेम्परेचर ऑलरेडी रिकॉर्ड तोड़ है। तो ये है कंडीशन। अब ऑब्वियसली है कि लास्ट चिप, अब ये चीज़ होती क्यों है, इसका रीज़न सब लोग, बहुत लोग जानते हैं क्या हुआ भैया जो ख़राब हो गया, क्या हुआ भैया जो ख़राब हो गया। उसका रीज़न ये है गाइस, देखो क्यों ख़राब हो रहा है। इंटेक एयर यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से इंटेक एयर इंटेक होता है, यहाँ से आउट होता है। अभी क्या है कि मैक्सिमम लोगों के चिप यहीं के जो ख़राब हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, जब एयर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है ना, तो ये इतना ना बहुत लाइट हीट सिंक है, इतना अच्छा हीट सिंक नहीं दिया है। इवन ये पेस्ट भी अच्छा यूज नहीं किया, और इन चिप्स को ज़्यादा कूलिंग चाहिए। तो यहाँ से जब इंटेक हो रही है एयर, तो यहाँ आने तक वो हीट इतना हो जाती है कि वो यहाँ पे कूलिंग नहीं कर पा रही है सही से, ठीक है, वो यहाँ कूल नहीं कर पा रही है। और जब यहाँ कूल नहीं कर पा रही है तो चिप हीट हो रही है, चिप हीट हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, वो चिप हीट होके बर्न हो जा रही है या अंदर से अंदर शॉर्ट हो जा रही है। अब इस जगह पे क्या था, 1, 2, 3, 4 ये 4 चिपें में से 3 चिपें डेड थी, 3 चिपें गर्म होके शॉर्ट हो गई थी। ये एक चिप तो बच गई, ये वाला,
बट यहाँ पे ये चार चिपें जो है खराब हो गई थी। इन चार चिपों की खराब होने की वजह से ऑब्वियसली है कि मैंने आपको बताया था कि लाइक दिस इज लाइक अ दिवाली झालर माला समथिंग लाइक दैट। तो क्या है कि अगर ये तीन चिपें खराब हो गई तो यहाँ से प्लस पावर सप्लाई नहीं जाने लगी, इधर से आती है माइनस पावर सप्लाई, उधर को जाती है, ऐसे करके यहाँ पे प्लस यहाँ से सर्कुलेट होती है। तो यहाँ पे आकर के वो पावर जो है गलत हो गई, सब शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने से ये तीन चिप टूट गया, सॉरी इन तीन चिपों के शॉर्ट होने से सारी पावर गलत हो गई। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया, बंदे जो रिपेयर कर रहे होंगे वो भी समझ जाएंगे। चलो यानी लेकिन उसकी इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये नॉर्मल वे में नहीं रिपेयर होगा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। मत चक्कर में पड़ना, अपना बोर्ड ख़राब करवा बैठोगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। और जो कहते हैं कि हमारे पास ये टेस्टर है या वो टेस्टर आया है या वो टेस्टर मार्केट में अवेलेबल है, वो टेस्टर इसके लिए काम नहीं कर रहे गाइस, नहीं ये एंट माइनर नहीं है, ये KSCM है, आइस रिवर है, आइस रिवर की सारी काम में है। अभी तो KS2 KS1 में तो दिमाग पूरा भूस हो जाता है, इतना ज़्यादा उसमें टचर वचर है, बहुत ज़्यादा। ये तो फिर भी थोड़ा सा एंट माइनर रिलेटेड बोर्ड है तो ईजिली पकड़ में चीज़ें जाती हैं, और फिर इसके टेस्टर्स भी अवेलेबल हैं, बट वो टेस्टर वहाँ पे कोई काम नहीं करता है जो टेस्टर और है, ठीक है। तो अब क्या है गाइस कि ये, हाँ यही बता रहा था, तो यहाँ पे क्या है कि ये तीन चिपें ऐड हुई, उसके बाद हमने इनको चेंज कर दिया, ठीक है। तीनों चिपों को हमने चेंज कर दिया, हमने जज किया, चेक किया, सारी चीज़ें करने के बाद तीनों चिपों को चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद जब हमने इसको टेस्ट किया तो दैट इज़ ओके, और मैं आपको आपके सामने टेस्ट करता हूँ इसे। तो हम यहाँ पे फिर हमने पॉजिटिव नेगेटिव सही जोड़ा है, बिल्कुल करेक्ट है, पावर जुड़ी हुई है, केबल सब ओके है, ऑल आर गुड। सो ऑन द पावर, सो नाउ आई एम गिविंग हिम पावर 12 वोल्ट, ठीक है। तो मैंने इसको 12 वोल्ट पावर दे दी है, एक मिनट 12 वोल्ट कर देते हैं इसे, यस। सो नाउ 12 वोल्ट पावर दे दी है एंड 12 वोल्ट पावर इसमें जा रहा है, एंड स्टार्ट टेस्ट। सी the complete chip showing green, the hashing is going on because this is little bit hashing because ये test करता है तो ये heat होते लग जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये जो है अब ये यहाँ पे clear तरीके से इसको test करके यहाँ पे इन्हें दिखा दिया कि from 1 to 56 all chips are good, okay। How I can say that because यहाँ पे read temperature करोगे आप तो temperature भी आपको सारा सही दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप रीड चिप, द चिप की कंडीशन, हम वोल्टेज एंड टेम्परेचर एंड ऑल थिंग देखेंगे यहाँ पे, तो रीड चिप करेंगे तो यहाँ पे हमको सारी चिपों के टेम्परेचर दिखाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है और बढ़िया काम कर रहे हैं। 55 हमने चेंज करी थी यहाँ पे, तो 29 है, 56 चेंज करी थी, 31 डिग्री है, और हमने यहाँ पे 56 एंड दिस इज 54 and this is 53, yes 53 change kari thi, this is 30, so 53 55 56, 54 is sahi thi, maine but usko bola tha ki ye char chipe kharab hai, but ye sahi nikli to bhaiya jo hai honestly tarike se batana hai samne bande ko ye sahi hai to ye sahi hai, to isko humne change nahi kiya, dekhiye aap yahan pe laga hai to humne isko change nahi kiya, humne ye teen chipe change kar di, aur change karne ke baad right now ye bilkul badhiya tarike se work kar raha hai। अब इसको हम हैशिंग में जाके देखेंगे माइनर में लगा के, उससे पहले लेकिन हम इसकी एक बार पेस्टिंग कर देंगे दोनों तरफ से, और पेस्टिंग करने के बाद हम इसको एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टॉप टेस्टिंग करते हैं यहाँ पे, पावर ऑफ कर दिया, सो इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं,
करते हैं गाइस इसको। ये हमने पूरी तरह से पैक कर दिया है और इसमें मार्क लगा देते हैं। ओके करिए हमने इसमें ये मार्क लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है तो इसको लगाते हैं, इस माइनर पे लगाते हैं तो इस माइनर का एक्चुअली क्या है कि इस माइनर का बोर्ड जो है ना, वो बोर्ड मेरा वो रखा हुआ है उधर पे, उसको मुझे करना है अभी रिपेयर। तो इसी में एक बार लगा करके इसे क्रश कर लेते हैं उस वाले बोर्ड को भी जो कि हमने किया है। आईपी क्या है, एक बार आईपी देख लेते हैं। इट्स 28 आईपी है ना। तो ये लग गया। ये कर दिया और इसकी जगह मैंने सिर्फ बीच वाली की बात नहीं करनी, तो मुझे बीच में लगा रहा है ये लग गया वैसे इसमें। यहाँ पर मुझे हटा इसे और बीच में लगा रखी है। ठीक है भाई, पावर कनेक्ट कर दिए हैं, लैन कनेक्टेड है, बाकी सब सही है, कोई यूजिंग पॉइंट नहीं है ना, यूजिंग पॉइंट नहीं है। ये हमने कनेक्ट कर दिया, बीच वाला बोर्ड भी हमने लगाया है, बीच वाला बोर्ड भी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको करते हैं ऑन। Oh,
आईपी है, आईपी इसका लाइट जली रह जाएगी तो समझ लीजिए पावर जली है और इसको आईपी आ जाएगी।
गाइस हैश रेट आ गया है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और उसके बाद ब्लैक ब्लैक सा हो गया, ये क्या हुआ। चलो ये अभी बहरहाल ये दिख रहा होगा तो आपको, ये अब इसके बाद ये वाला करना है तो इसको करेंगे, ठीक है। हम इसको बहरहाल निकाल देते हैं इसमें से और देते हैं साइड, पैक करके भेजेंगे कल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लगाना है इसका, इसमें यहाँ पे जो है क्या खराब है देखना पड़ेगा। साढ़े तीन बज गए हैं तो अब सोते हैं और कल करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।